आदाब सत श्री अकाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इधर हो रहा था राम मंदिर का उद्घाटन और दूसरी तरफ मातम में बदल गई सारी खुशियां। जी हां, आज अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रामलीला की गर्भगृहण में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मौके पर देश भर में लोगों ने दीपोत्सव मनाया, साथ ही देश भर में कई जगहों पर रामलीला का भी आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में भी सोमवार को रामलीला का मंचन हुआ, लेकिन मंचन के दौरान एक दुखद घटना सामने आई। रामलीला में हनुमान का रोल कर रहे शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रोल निभाते वक्त अचानक से हनुमान भगवान राम का रोल कर रहे शख्स के चरणों में गिर जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। लोग ये सोचते हैं कि यह शायद एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कुछ देर तक जब उन्होंने देखा कि उस शख्स के हाथ पैर नहीं हिल रहे, तो उन्होंने उसकी नब्ज़ को चेक करके देखा। जब उन्होंने देखा कि उसकी नब्ज़ नहीं चल रही, तो फौरन उसको डॉक्टर के पास लेके गए, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरीश मेहता हनुमान का रोल निभाते निभाते भगवान राम का रोल कर रहे शख्स के चरणों में गिर जाते हैं। लोगों ने इसको एक्टिंग समझा और वो तालियां बजाते रहे। जी हाँ, काफ़ी देर तक लोग तालियां बजाते रहे कि जो हरीश मेहता है वो एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग में ही गिरे हैं। लेकिन काफ़ी देर तक कोई हलचल ना होने पर जब उन लोगों ने उनको देखा, तो उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी और एकदम से जब लोग घबराए और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, ये काफ़ी दुखदायक मामला हरियाणा से सामने आया है। लोग काफ़ी गमगीन हैं इस घटना के बाद। काफ़ी उनकी जो खुशी थी वो सारी एक तरह से मातम में बदल गई।